दोस्तों पीटी दे प्रोसेसिंग टाइम ते सक्सेस रेट नू लेके गल करांगे। पिछले कुछ दिनों तो ही असी इस चीज़ दे उपर जोर दे रहे हैं कि पीटी दा रिजल्ट चंगा नहीं है, वेट करो, स्टूडेंट नू हले केस नहीं अप्लाई करना चाहिंदा। बट साडे रीसेंट दो चार एप्लीकेशन अप्रूव हुई हैं ते एक वीडियो साडे स्टाफ वल्लों अपलोड हुई जिस दे विच उहदा थंबनेल रख्या गया कि पीटी दा सक्सेस रेट अप्रूव होया, तां उस नू लैके काफ़ी जिहड़े क्लाइंट आ उह कन्फ्यूज होए भी। एक पासे तां इह रौला पा रहे हैं अजे केस ना अप्लाई करो रिजल्ट चंगा नहीं, दूजे पासे पीटी दा सक्सेस रेट इंप्रूव होने की गल कर रहे हैं। सो उदां दी कोई भी गल नहीं है। जदों काफ़ी कमेंट्स इदां दे मैनूं मिले तां मैनूं लग्गिया इस टॉपिक दे उपर गल करना चाहिए। हालांकि पीटी दा रिजल्ट जां पीटी दा सक्सेस रेट उन्ना चंगा नहीं होया। पीटी दा सक्सेस रेट मैं बार बार कहना दसंबर तो ही चंगा नहीं है। दसंबर दे विच पीटी वाले बच्चों नूं पता, जां जिन्हां दी रिफ्यूजल आई उन्हां नूं पता है, बहुत सारे स्टूडेंट इदां दे सन जिहड़े 2021-2022 पास आउट 70-80% है, पीटी दा स्कोर 70-80 है, बट रिफ्यूजल दा सामना करना पै एक बारी दो बारी, फाइनैशियल स्टेटस बहुत चंगा। मतलब दसंबर दे विच पीटी दा सक्सेस रेट कोई बहुता चंगा नहीं सी, ईवन के कह सकते हो माड़ा सी। जनवरी दे विच अगर पीटी दे सक्सेस रेट की गल करिए, लिमिटेड जे वीजाज रिसीव किए हैं, कोई मैं जिहड़ी वीडियो बनाउणा कोई कल्ले जिहड़ी साडी कंपनी दे डिसीजन है मैं उसनूं देख के नहीं बनाउंदा, असीं डेली काउंसलिंग करदे हां, डेली दीआं कह सकते हैं भी 50-60 काउंसलिंग असी करते हैं। उस दे विच जो स्टूडेंट आते हैं रिफ्यूजल वाले भी आते हैं फ्रैश एप्लीकेशन, उस तो सानू आइडिया होंदा भी किदां दा रिजल्ट, किदां दा ट्रेंड मार्केट चल रहा है। जिहड़े साडे कोई नाल काम करते एजुकेशन कंसल्टेंट उन्होंने गल करते हैं, उन्होंने तो डिसीजन पूछीदा, फिर जाके तुहाडे जिहड़ा रूबरू हो के तुहानू इह डिटेल दित्ती जांदी है। सो जनवरी का पीटी का सक्सैस रेट ना बड़ा चंगा ना बड़ा माड़ा, मतलब डिसीजन नहीं आ रहे, रिफ्यूजल भी घट्ट है, अप्रूवल भी घट्ट है। कुछ लिमिटेड जे केस अप्रूव हुए थे उस पर असी जी वीडियो एक बना बैठे, सो उसनू लैके कन्फ्यूजन आई। सो पीटी वाले स्टूडेंट हले जिहड़ा रिजल्ट तुहाडा एवरेज आ, देखो मेरी जे मैं वेट करन नू कह रहा तो उसके पिछे कोई ना कोई रीजन है। जिहड़े तां स्टूडेंट दीआं क्लासेस जल्दी स्टार्ट होण जा रही हैं वो अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं, जिन्हां दा कोई मार्च इनटेक है 10 मार्च 20 मार्च 30 मार्च नू क्लासेस स्टार्ट होण जा रही हैं, उन्हां नू अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर देनी चाहिए है। बाकी जिहड़े स्टूडेंट मई इनटेक वाले आ जां सपटंबर इनटेक वाले आ, हुण ज़्यादातर स्टूडेंट प्रेजेंटली समर इनटेक एंड फॉल इनटेक यानी मई या सितंबर तक क्लासा स्टार्ट होंगे। हुण पीटीई का जिहड़ा प्रोसैसिंग टाइम है वो 2022 तो ही घट रहा, मतलब डिसीजन अप टू 1 मंथ एक महीने के बिच बिच मोस्टली एप्लीकेशन का अप्रूव हो जाता या मोस्टली एप्लीकेशन का आ जाता। सो तुहाडा चाहे मई इनटेक है तुहाडे कोल फिर भी टाइम है, तुहाडा चाहे सपटंबर इनटेक है फिर तो टाइम है ही है। सो जदों आपां नूं पता है भी अपने कोल टाइम है, हले मई इनटेक के 4 मंथ का समा पिया, सपटंबर इनटेक के होर भी समा पिया 8-9 महीने का समा है, तो फिर आपां काली किस चीज़ की है, पहला वीज़ा लैके रखने नाल की हो जूगा जां की उस दे नाल कोई फर्क आजू। जदों आपां नूं पता है एक ट्रेंड चंगा नहीं चल रहा तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना ही समझदारी हुंदी है, बिना कोई ट्रेंड देखे आसे पासे दे हालात देखे सक्सैस रेट देखे केस अप्लाई करना मेरे अकॉर्डिंग बेवकूफ़ी हुंदी है। सो अगर तुहाडियां क्लासेस स्टार्ट हजे नहीं हो रही, तुहाडा इनटेक समर इनटेक है यानी मई इनटेक है, तुहाडा इनटेक सपटंबर है यानी कह सकते हैं फॉल इनटेक है, तो तुहाडे कोल हले टाइम है एटलीस्ट पीटी का सक्सैस रेट थोड़ा, हुण इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है भी सक्सैस रेट चंगा होगा, मैं कोई इस चीज़ पर भी नहीं, प्रेजेंटली माड़ा तो एटलीस्ट 10-15 दिन के लिए वेट करो, उस तो बाद केस अप्लाई करोगे तो बैटर है। बाकी हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल अपनी चॉइस होंगी है, तो मेरी जिहड़ा एक ओपीनियन यही होगा जिन्हां दीआं क्लासेस मार्च के स्टार्ट हो रही हो अपना केस अप्लाई कर सकते हैं, जिन्हां दीआं मई या सपटंबर च होनी उन्हां कोल टाइम है वेट कर लैन तो थोड़ा बैटर है। धन्यवाद।